हेलो गाइस, आज हम कुछ ऐसा नया बनाते हैं जो खाने में बहुत ही पौष्टिक होता है और जिसको खाने में हमें बहुत एनर्जी मिलती है। इसको स्पेशली विंटर में खाया जाता है। अब जो हम रेसिपी बनाएंगे उसका मेन इंग्रेडिएंट कौन है, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी गर्म करा है और उसके अंदर मैंने यहाँ पर कॉर्न को क्रश करके डाल दिया। अब इस कॉर्न को हम तब तक घी में भूनेंगे जब तक ये फूल के क्रिस्पी ना हो जाए। ये क्रिस्पी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे भून लें। आप देख सकते हैं कि अब ये धीरे धीरे सारे कॉर्न जो है वो फूलने लग गए हैं। कॉर्न को विंटर में खाना बहुत ही हेल्दी माना जाता है। विंटर के अंदर इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो कॉर्न है वो फूल गया है। अब इसको हम थोड़ा सा और भून लेंगे ताकि जो वो कच्चापन है वो सारा निकल जाए। इसको भूनने में मुझे 3 से 4 मिनट लगे हैं। और अब इसको ठंडा करके मिक्सर जार में हम इसे पीस लेंगे। और उसी सेम कढ़ाई के अंदर मैंने 1/2 कप कोकोनट ग्रेट करके डाला है और उसी के साथ मैंने 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर बादाम भी कटिंग करके डाली है। और इन दोनों को हम घी में 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अब इसके अंदर हम कॉर्न डाल देते हैं जो हमने पीस के रखा था। अब इसको हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। मैंने यहाँ पर पहले गुड़ की चाशनी बनाकर रखी थी, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। मैंने इसके अंदर 1.5 कप गुड़ की चाशनी डाली है। अब इन सभी को हम मिक्स करने के बाद 2 से 3 बॉईल आने तक पकाएंगे। अगर आपको गुड़ की चाशनी पसंद नहीं है तो आप शक्कर की चाशनी भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून जो कच्चा कॉर्न हमने ग्राइंड करके रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे। कच्चा कॉर्न डालने से ये गोंद की रवि में थिकनेस भी आती है और ये टेस्टी भी लगता है। और ये भी हमारा बनके तैयार हो गया है। तब इसके अंदर लास्ट में हम 1 टेबल स्पून जिंजर पाउडर डाल देंगे और साथ ही 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर गरम गरम सर्व करेंगे। आप इसे मॉर्निंग की टी की जगह भी रिप्लेस करके विंटर्स में पी सकते हैं। और इस गोंद की राब को हम न्यू मदर्स को भी सर्व कर सकते हैं जो इनके लिए बहुत ही पौष्टिक होती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और सुबह सुबह मॉर्निंग में इसको ज़रूर सर्व करें। इस रेसिपी को बहुत ही इजीली बनाया जा सकता है, तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी।